देवी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन तीनों को आपकी आवश्यकता नहीं है और इसलिए हमें यहां से शीघ्र अतिशीघ्र प्रस्थान कर लेना चाहिए। अरे इस सुंदरी के हाथ में जो कुछ भी है उसका एक घूंट पान करने में कोई समस्या नहीं है। भक्ति का ढोंग रचते रचते वास्तविक आनंद से दूर थे हम, आज इस सुख का आनंद आ रहा है। यदि आपको यहाँ से लौटा देते तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होती। आपने उचित कहा था कि वास्तविक अमृत तो ये है, ये मदिरा, ये सौंदर्य, ये नृत्य, ये आनंद, ये मदिरा। तो आज से भक्ति नहीं, भोग होगा, मदिरा का भोग। आज से यहाँ पर चरणामृत पान नहीं होगा परंतु मदिरा पान होगा। त्रिपुरासुर की रक्षा करने वाली आपकी भक्ति की ढाल अब नष्ट हो चुकी है पिताश्री। स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि अधर्म के प्रति है उनकी वास्तविक भक्ति। तो प्रभु, इसके पूर्व कि उनकी असुर सेना जीवित हो, उनके पूर्व सीधी रेखा से बाहर आए और असुर सहस्त्र वर्षों तक सर्वत्र विनाश करें, उनका अंत कर दीजिए। प्रणाम त्रिदेव। प्रणाम फूफा जी। प्रणाम मामा जी। महादेव, गणेश ने बड़ी ही चतुराई से समय रहते उनका सत्योजागर किया है, अन्यथा बहुत विलंब हो जाता। विलंब तो अभी भी हो रहा है, इसीलिए समस्त देवी देवताओं की ओर से मैं प्रार्थना करता हूं महादेव कि इस असुर उपद्रव को उत्पन्न होने से पूर्व रोक दीजिए। निर्गुण निर्विकल्पम बम 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 भोले महाकाल कालम कृपालम बम भोले। जग के हित में गरल पान करने वाले शत शत बार नमन शंकर भोले भाले। किंतु पापी दंभी हिंसक अन्यायी, कैसे हो सकता है शिव का अनुयायी। ऐसे शक से जग को मुक्ति दिलवाए, इस पापी के काल स्वरूप में आ जाए। निर्गुण निर्विकल्पम बम 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 भोले महाकाल कालम कृपालम बम भोले। स्वाहा स्वाहा। मदिरा लाओ सुंदरी, मदिरा और मदिरा पिलाओ पिलाओ। आनंद सुंदरी, अति आनंद। नृत्य करो, क्या नृत्य, वाह आनंद, क्या नृत्य, अति आनंद। मदिरा पी के नृत्य देखने का आनंद अद्भुत होता है। वाह डालो मदिरा, वाह सुंदरी, वाह और मदिरा पिलाओ और नृत्य करो। मेरा कार्य यहाँ पूर्ण हुआ। महादेव पुत्र श्री गणेश ने अपनी बुद्धि का अचूक वार किया है इन तीनों दुष्टों पर। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। त्रिपुरासुर का वास्तविक चरित्र स्पष्ट हो गया है। उनका कुटिल अभिप्राय भी अब किसी से छिपा नहीं। गणेश के प्रयासों से त्रिपुरासुर का सत्य उजागर हो गया है, इसलिए उनका अंत करने को तत्पर हूं मैं, तत्पर हूं मैं, तत्पर हूं मैं। किंतु इसके लिए मुझे वो बाण चाहिए जो बाण ना हो, और वो बाण उस धनुष से चले जो धनुष ना हो, और महादेव ऐसा उस रथ पर आरूढ़ होकर करे जो रथ ना हो। ये सभी कौन प्रस्तुत करेगा? पिताश्री, मैं प्रस्तुत करूंगा। पुत्र, ऐसा रथ, धनुष और बाण कहाँ ढूंढोगे तुम? मैं समझ गया। जो रथ ना हो, उस रथ का निर्माण कैसे होगा? मैं प्रस्तुत हूँ गणेश जी। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा। उचित है, फिर सभी का आशीष लेकर हम रथ निर्माण का कार्य प्रारंभ करते हैं। त्रिपुर में यह कोलाहल कैसा? मूर्ख, थोड़ी और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे? अवश्य ही गणेश का छल है ये। मुझे यज्ञ को शीघ्रता से संपन्न कर असुर सेना जागृत करनी होगी। त्रिपुर की रक्षा का मात्र यही उपाय है। ओम भ्रीम ब्राम त्रीम त्राम स्वाहा, स्वाहा स्वाहा। हे पार्वती नंदन गणेश, मैं विश्वकर्मा देवशिल्पी होकर भी यह कल्पना नहीं कर सकता कि धनुष, बाण और रथ का निर्माण हम कैसे करेंगे, जिसकी हमें आवश्यकता है, जो हो भी और ना भी हो। ये कैसे संभव है? हमारी बुद्धि और निपुणता ये संभव कर देगी विश्वकर्मा जी। हम ऐसे सर्वदेवों में रथ का निर्माण करेंगे जो रथ नहीं है। सर्वदेवों में रथ? हाँ विश्वकर्मा जी, वो रथ जो सर्वलोकमय और सर्वभूतमय हो, जिसके दाहिने चक्र में स्वयं सूर्य देव और रथ के चक्र की तिल्लियों में 12 आदित्य विराजमान हो। रथ के बाएं चक्र में चंद्रमा हो और उसकी 16 तिल्लियों में चंद्रदेव की 16 कलाएं बसेंगी और सभी नक्षत्र भी रथ के चक्र के साथ साथ चलेंगे। माँ गंगा आदि सभी श्रेष्ठ नदियाँ अपने नारी रूप में रथ पर स्थित होकर चंवर डुलाएंगी। चारों वेद उस रथ के 4 अश्व होंगे। वायुदेव रथ के आगे आगे चलकर रणभेरी बजाएंगे। ब्रह्मदेव रथ के सारथी होंगे। ओंकार उनके चाबुक बनेंगे और आकार रथ का छत्र बनेगा। संवत्सर रथ का वेग और मुहूर्त उसकी रस्सी होंगे। स्वर्ग और मोक्ष रथ की ध्वजा। कामधेनु और एरावत की पत्नी अब्राह्मु रथ के जुए के अंतिम छोर पर स्थित होंगे और पंचभूत इस रथ के बल बनेंगे। तो देवशिल्पी विश्वकर्मा जी, उस रथ का निर्माण हो गया ना, जो रथ नहीं है। आपकी बुद्धि और आपकी कल्पना अतुलनीय है, अद्भुत है प्रभु। धन्यवाद विश्वकर्मा जी। आइए अब हम धनुष का निर्माण करते हैं। नानाजी शैलराज हिमालय धनुष का ढांचा बने और श्रीहरि नारायण के शैया शेषनाग जी उसकी प्रत्यंचा। तो वो धनुष भी प्रस्तुत हो गया ना विश्वकर्मा जी, जो धनुष नहीं है। अब बाण, त्रिपुर को नष्ट करने वाले बाण, स्वयं जगत के पालनहार मामा जी नारायण हो। और सभी अपवित्रताओं को मिटाने वाले अग्निदेव बाण की नोक बने। देखा विश्वकर्मा जी, निर्माण हो गया ना बाण, जो बाण नहीं है। अब इनको पिताश्री के पास ले चलते हैं। युक्ति त्रिपुर के संहार को लगाए, अद्भुत सा एक रथ बनाए। हिमालय व शेषनाग से बना धनुषा, श्री विष्णु स्वयं बाण बन गए विशेषा, रथ बाण धनुष सुमुख शिव को प्रदाया, अवसर ये उचित धर्म युद्ध हेतु आया। त्रिपुर हो पराजित ये सब मन में ठाने, क्या होगा परिणाम शंभु ही जाने। पिताश्री, प्रस्तुत है वो रथ जो रथ नहीं है। माता जाति पार्वती पिता महा, वो धनुष है ये जो धनुष नहीं। और ये लीजिए वो बाण जो बाण नहीं। त्रीम त्राम भ्रीम राम स्वाहा। ओम त्रीम त्राम भ्रीम राम स्वाहा। आनंद, ये नृत्य, ये संगीत, ये मदिरा। दिव्य पुरुष ने उचित कहा था, जीवन सार्थक तो अब हुआ है। ये सत्य है, ये मंदिर से बड़ी है ये मदिरा, ये आनंद। अब त्रिपुर में ये आनंद उत्सव नहीं रुकना चाहिए। लाओ और मदिरा लाओ। भ्राताश्री, ये काली छाया कैसी है जो त्रिपुर को ग्रसने का दुस्साहस कर रही है? जो भी है हमारे समक्ष आओ, अन्यथा मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। राहु, राहु तुम व्यर्थ आए हो यहाँ, क्योंकि तुम्हारा ग्रहण सूर्य या चंद्र पर चल सकता है, हमारे त्रिपुरासुर में नहीं। ग्रहण तो लगने वाला है तुम्हारे राज्य पर, महादेव के क्रोध का ग्रहण, क्योंकि अब वो अपने रथ पर आरूढ़ होकर तुम्हारा विनाश करने के लिए निकल चुके हैं। और ये मत भूलो त्रिपुर भी अब एक सीधी रेखा में आने वाला है। तुम्हें वो वरदान तो स्मरण है ना, जब सहस्त्र वर्षों में हमारे त्रिपुर के तीनों पुर एक सीधी रेखा में स्थिर हो, और जब शिवजी अपने एक ही बाण से हमारे तीनों पुरों पर प्रहार करें। प्रभु, मात्र इसी अवस्था में त्रिपुर और हमारा विनाश संभव। बस यही स्मरण कराने और सचेत करने आया हूं तुम्हें मैं कि तुम्हारा विनाश तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। इसलिए मेरे प्रिय असुरों, यदि किसी उपाय से अपनी रक्षा कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि बहुत कम समय शेष है तुम्हारे पास। उचित कहा तुमने राहु, समय शेष नहीं है, परंतु असुरों के विनाश के लिए नहीं, हमारी शक्ति और सत्ता की पुनर्स्थापना के लिए। गुरु शुक्राचार्य और त्रिपुर राज्य के स्वप्न को पूरा करने के लिए है। राहु, जो तुम समाचार लाए हो उससे कहीं अधिक भयावह दृश्य नहीं है ये। प्रभु महादेव हमारे विरुद्ध खड़े हैं, किंतु हम तो वर्षों से इस गुप्त असुर सेना का निर्माण कर रहे हैं। किंतु क्या ये सेना महादेव और उनके पुत्र गणेश को रोकने में सक्षम होगी? श्री गणेश यहाँ आकर भले ही सब कुछ ज्ञात कर चले गए हो और जाकर महादेव को भी बता दिया हो, किंतु चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी असुर सेना अभी भी अदृश्य है। अब स्वयं महादेव देखेंगे कि कैसे असुर विनाश करने में सक्षम है। समस्त संसार में अच्छाई का नाश कर असुर सेना अपने अनुसार नवीन सृजन करेगी। ओम झूम हुम स्वाहा। स्वाहा स्वाहा। ओम झूम हुम स्वाहा स्वाहा। अब देखता हूं हमारी असुरी सेना से संसार की रक्षा कौन करता है। ओम जूम हुम स्वाहा। अब हमारी असुर सेना जीवित होने के लिए तत्पर है। सफल हो गया मैं, पूर्ण हुआ यज्ञ। अब मुझे इस यज्ञ की अग्नि को और प्रज्वलित करने की कोई आवश्यकता नहीं, और ना ही तत्वों की ऊर्जा चाहिए मुझे। तुम्हारे एक आदेश पर यह सेना विनाश करने को तत्पर हो जाएगी। मैंने अपना कार्य कर दिया। अब तुम त्रिपुरासुर अपना कर्तव्य निभाओ। हर हर महादेव। असुरों और देवताओं के महासंग्राम के लिए तैयार हो जाओ। एक ऐसा महासंग्राम का विजय अवश्य असुरों के ही होगी। सृष्टि का नवीन इतिहास रचेंगे हम असुर। हमारा विनाश करने बढ़ रहे हैं, किंतु हम भी उनके बाण का उचित उत्तर देंगे। हमारे महाअसुर बाण से, हमारे महाअसुर बाण से। त्रिपुरासुर योद्धा उठो और भयानक सर्वनाशक बाण की आकृति लेकर नष्ट भ्रष्ट कर दो उस बाण को जो बाण ही नहीं है, उस धनुष को जो धनुष नहीं है, उस रथ को जो रथ ही नहीं है। अब जाओ मेरे महाअसुर बाण और नष्ट भ्रष्ट कर दो महादेव के रथ को, जाओ। जाओ, जाओ। तो प्रभु महादेव के रथ पर असुरी शक्ति का महाबाण चलाकर इन ढोंगी असुरों ने अपनी धृष्टता का परिचय तो दे ही दिया। उस असुर बाण का तो शीघ्र कोई उपाय सोचना होगा। प्रभु महादेव, यह असुर बाण हमारी ओर तीव्र गति से आ रहा है और आप विष्णु बाण मात्र एक बार ही प्रयोग कर सकते हैं और साधे हुए बाण को हटाकर दूसरा बाण लगाना आधार्मिक होगा। अपनी रक्षा के लिए त्रिपुरासुर ने ऐसा उपाय किया है जिससे हम सब फंस गए हैं। यदि हम शक्ति से संपन्न होते तो अवश्य महादेव का साथ देने के लिए इस युद्ध में भाग लेते। अब क्या करेंगे महादेव, क्या करेंगे? विश्वास है मुझे, पिताश्री विष्णु अग्नि बाण का प्रयोग कर अपनी रक्षा नहीं करेंगे, उससे तो वो मात्र त्रिपुर पर ही वार करेंगे। मुझे अभी कुछ करना होगा। बस, अब शीघ्र ही नष्ट होने वाला है महादेव का रथ, जिसके बाद सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। अब माँ, मुझे पिताश्री की सहायता करने जाने की अनुमति दीजिए। पुत्र, इस रुद्राक्ष माला को महादेव और मेरे आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करो। मुझे विश्वास है उचित समय आने पर ये अवश्य तुम्हारी सहायता करेगी। दीजिए माँ। प्रणाम माँ। चलिए मूषक जी। चलिए प्रभु। इस असुर बाण को मैं त्रिपुर को ध्वस्त करने के अपने लक्ष्य को परिवर्तित नहीं करने दूंगा। जब तक त्रिपुर एक सीधी रेखा में ना जाए, मुझे विष्णु बाण को इसी प्रकार यथास्थित रखना होगा। कहीं त्रिपुर के सीधी रेखा में आने के पूर्व ही ये असुर बाण हमारे इस रथ से टकरा गया तो सर्वनाश हो जाएगा। असुर गुरु शुक्राचार्य हमारी सफलता देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। सुरक्षित रहेंगे त्रिपुर, नाश होगा महादेव के रथ का और प्रारंभ होगा कभी ना नष्ट होने वाला असुर साम्राज्य। मैं सफल हुआ। मूषक जी, यही उचित समय है। समय के रहते श्री गणेश जी वहां पहुंच भी गए तो विशाल काय असुर अस्त्र का सामना कैसे करेंगे? सत्यवचन, अपने पिता की सुरक्षा हेतु कहीं गजानन स्वयं को अति विशेष संकट में तो नहीं डाल रहे? ऐसा संकट जिससे निकलना स्वयं के लिए असंभव हो। नारायण नारायण। अपना आकार कितना भी बढ़ा ले गणेश, हमारे अपराजय अस्त्र से टकराकर यह अवश्य नष्ट हो जाएगा। गणेश ने तो ये बाण ऐसे झेल लिया जैसे कुछ हुआ ही ना। अब क्या करूं मैं? विघ्नहर्ता श्री गणेश की, विघ्नहर्ता गणेश की, विघ्नहर्ता गणेश की जय। विघ्नहर्ता गणेश की जय। विघ्नहर्ता गणेश की जय। अनर्थ, घोर अनर्थ। गणेश ने तो मेरा ये प्रयास भी विफल कर दिया। त्रिपुर सीधी रेखा में आ रहे हैं, अर्थात अब पिताश्री द्वारा उनके नष्ट होने का समय आ गया है। हमारा युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ शिवपुत्र गणेश, तेरी अजय असुर सेना शेष है अभी। एक ओर का वार तो तुमने रोक लिया, परंतु जब सारी दिशाओं से घेर कर तुम पर आक्रमण होगा तो तुम इस आक्रमण को रोक नहीं पाओगे। महादेव का रथ नष्ट होकर ही रहेगा। असुर सेना तो अत्यंत भयंकर। महादेव और प्रथम पूज्य गणेश चारों दिशाओं से आने वाले इन संकट को कैसे रोक पाएंगे? देखो देखो कैसी अनंत सेना है ये, जिसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विनाश यदि आज होगा तो देवताओं का और अन्य जीवों का, क्योंकि इससे पूर्व ये सभी त्रिपुर एक सीधी रेखा में आए। हमारी ये सेना महादेव के रथ को ध्वस्त कर देंगी। सत्य एकाकी भी हो तो भी सौ झूठ पर भारी पड़ता है। धर्म परीक्षा लेता है, कभी साथ नहीं छोड़ता। ये दोनों जिसके साथ हैं, वो कभी पराजित नहीं होता। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।